अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री, आई एम मिस हेमन राव, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द एजुकेटर सोसाइटी कैंपस शहदादपुर। आई होप यू आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ लेक्चर। ओके, नाउ ओपन द पेज नंबर 12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। द एक्सरसाइज ए एंड बी, यू कैन सी दिस इज़ योर क्लास वर्क। ओके, सो टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ए एंड बी। टेक आउट योर पेंसिल, वी विल डू द एक्सरसाइज ए। Understanding better, tick the correct right answer. Okay, you will tick the right answer. Listen to me. How many hours would it take for Madiha's friends to arrive? The question one is, how many hours would it take for Madiha's friends to arrive? Madiha ki birthday par jo friends aane wale the, wo kitne ghanton mein aane wale the? The option A is 6, the option B is 3. And the option C is 5. So you will tick the correct answer. Okay, the correct answer is 3. Okay, option B is the right option. Okay, have you done? Now the question 2 is, the name of the cake was, cake ka naam kya tha? Carrot cake. The option B is fruit cake. The option C is cinnamon cake. The name of the cake was cinnamon cake. So the option C is the right option. Okay, the name of the cake was cinnamon cake. Okay, have you done? Now Madiha had to, no sorry, Madiha was excited. The option B is shocked. The option C is shy. Madiha kya thi? Excited, shocked or shy? Madiha was excited. So tick the right option. Okay, the option A is the right answer. Okay, now Madiha had to plan her birthday party, bake a cake और clean her room. Madiha ने क्या किया था? Plan her birthday party, उसने अपनी birthday party plan की थी. The option B is bake a cake, या उसने केक बनाया था, या clean her room, या उसने अपने room की सफाई की थी, अपने room को clean किया था. So the right option is Madiha had to bake a cake. Madiha ने केक ready किया था, केक बनाया था. The option B is the right answer. Okay, have you done? Now Madiha's cake was, Madiha ka cake kaisa tha jab wo ready ho chuka tha, uske baad Madiha ka cake kaisa tha? Raw. The option B is hot. The option C is hard. Tick the correct option. Madiha's cake was hard. The option C is the correct answer. Okay, have you done? So we have done our exercise A. Now we will do the exercise B. Who said the following? यहाँ पर जो sentence दिए गए हैं, ये किसने कहे थे? Story में Madiha की जो birthday story थी, इसमें से ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, ये किसने कहे थे? ममा ने या मदीहा ने? सो यू आर ओल्ड इनफ टू मिक्स द बैटर योरसेल्फ, ये किसने कहा था? मदीहा, यू आर ओल्ड इनफ टू मिक्स द बैटर योरसेल्फ। यस, मदीहास मदर, किसने कहा था? मदीहा की मदर ने, एम ओ टी एच ई आर, राइट हियर मदर, एम ओ टी एच ई आर। ओके, हैव यू डन? Now I tried so hard. Who said this? I tried so hard. Yes, Madiha. Madiha ne kaha tha, I tried so hard. M A D I H A. You will write here Madiha. Okay, have you done? Now go ahead and start.
किसने कहा था कि आगे आओ और केक बनाना स्टार्ट करो, किसने कहा था ये? यस, मदीहा की मामा ने कहा था कि आगे आओ और केक बनाना स्टार्ट करो. एम ओ टी एच ई आर. सो राइट हियर द स्पेलिंग ऑफ मदर. ओके, हैव यू डन? नाउ, आई वॉज सो केयरफुल. हु सेड दिस? आई वॉज सो केयरफुल. यस, मदीहा सेड आई वॉज सो केयरफुल. सो राइट हियर द स्पेलिंग ऑफ मदीहा. M A T I H A. ओके, हैव यू डन? नाउ, दैट्स द प्रॉब्लम. हु सेड दिस? दैट्स द प्रॉब्लम. ये तो मसला हो गया है, किसने कहा था? यस, मदीहा की मामा ने कहा था. सो राइट हियर द स्पेलिंग ऑफ मदर. M O T H E R. ओके, हैव यू डन? ओके, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. डू द एक्सरसाइज सी ऑन पेज नंबर 13 टेक्स्ट बुक एंड लर्न ऑल अपोजिट्स फ्रॉम पेज नंबर 12 टेक्स्ट बुक. यू विल लर्न ऑल द अपोजिट्स फ्रॉम पेज नंबर 12 विद स्पेलिंग्स. ओके, एंड देन फ्रॉम पेज नंबर 12 हेयर आर 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस. एंड यू विल डू द एक्सरसाइज सी. पेज नंबर 12 से एक्सरसाइज सी शुरू है और ये पेज नंबर 13 पर भी है. ओके, सो पेज नंबर 12 पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने ऑप्शंस की हेल्प से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. ओके, द डैश वुड नॉट गो थ्रो. द डैश वुड नॉट गो थ्रो. यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू विल राइट हियर. ओके, मदीहा मेड आउट द डैश. मदीहा प्रेजेंट्स टूथपिक, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और लिफ्टेड. यू विल राइट हियर द राइट ऑप्शन. ओके, ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स वुड अराइव विथ डैश एंड एक्साइटमेंट. प्रेजेंट्स टूथपिक, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और लिफ्टेड. ओके, हेयर यू विल राइट द करेक्ट आंसर. मदीहा एंड हर मदर मेड अ डैश केक ऑन हर बर्थडे. प्रेजेंट्स टूथपिक, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लिफ्टेड. यू विल राइट हेयर द राइट ऑप्शन. ओके, नंबर 5, मदीहास मदर डैश द एप्रन ओवर मदीहास हेड. प्रेजेंट टूथपिक, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और लिफ्टेड. यू विल राइट हेयर द राइट आंसर. ओके, सो डू योर होमवर्क नीट एंड क्लीन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.